तो कोई फरा ऐसी चीज है कि वो जो विटामिन सी की हमें जरूरत है इस मौसम में, स्पेशली स्किन की डलनेस को खत्म करने के लिए, ज्यादा डलनेस हो जाती है, शादियां हैं, आपको अपने मिलने वालों से भी मुलाकात करने का मौका आज ही मिल रहा है, इन्हीं मौसम में मिल रहा है, बिल्कुल, सो व्हाई नॉट क्या आप जरा चमकदार होके, बिल्कुल चमकदार होके जाए। और हम जैसे फेस वॉश भी नहीं कर रहे होते हैं, बार बार सर्दी लग रही होती है और फिर कोल्ड क्रीम कभी लगा रहे हैं, कभी कोई क्रीम उठा के लगा रहे हैं कि ड्राइनेस हो रही है, तो उससे क्या होता है बहुत सारे कलर्स स्किन पे आ जाते हैं, पैची स्किन हो जाती है, कहीं से ग्रीसी हो रही होती है तो कहीं से ड्राई हो रही होती है, और मर्द हजरात की तो ड्राई ही हो रही होती है, वो तो बिल्कुल भी लगाने की वो सोचते भी नहीं, शादी में जा रहे होते तो फिर बड़ा कॉम्प्लेक्स का शिकार होते कि मेरी स्किन देखो कितनी खराब हो रही है। और शादियों का भी सीजन है, तो मैं आपको एक अच्छा सा एक क्रीम मैं कह लूंगी, इसको क्रीम बना लें आप, एक दफा बना लें और सभी घर में सभी लगा लें, बच्चों क्योंकि बच्चों की भी स्किन अजीब सी फट रही होती है, तो आप उसको लगा लें। तो फिर टमाटर फ्रीजर में रख के कोशिश की थी, बच्चे काबू में नहीं आए, स्ट्रॉबेरी आई तो वो भी फ्रीज की हुई लगाई, चिढ़ते थे, भाग जाते थे, मैं पूरे खानदान को लगा रही होती थी, ऐसे ही होता है, ये जो है इससे शायद नहीं भागे, नहीं भागेंगे, बस आप इसको लगाएं मजे से, कहानियां सुनाते रहें, हां ये क्रीम है, आप इनको लगा लें, ठीक है। टमाटर है, मैंने इसका अच्छा सा एक जूस बना लिया है, अच्छा कोई पेस्ट इसकी प्यूरी नहीं है, इसका जूस बना लिया है, बारिश हो रही है, उल्टे हाथ में पैसे आएंगे कि जाएंगे, जा ही रहे हैं तो नहीं पता। अच्छा अच्छा, चावल का आटा ये मैंने ले लिया 1 टीस्पून, और इसमें बेसन, ठीक है, बेसन बहुत अच्छा होता है, सर्दियों में बहुत सारे लोग फेस वॉश करते हैं बादाम का ऑयल, जी बिल्कुल, आप थोड़ा सा उसका लेप बना के, ना कर देता बहुत, नहीं सर्दियों में आप इसको पतला सा बना लेना, आप इसको लगा के ड्राई नहीं करना है इसको, जैसे क्या करते हैं हम गर्मियों में इसको सुखा देते हैं फिर इसको हम लोग रब करते हैं, लेकिन सर्दियों में क्या करना है पतला सा डाइल्यूट करें, बिल्कुल डाइल्यूट करके ना इस तरह से धो के बस पानी से आप धो लें तो बहुत अच्छी शाइन हो जाती है, ड्राइनेस खत्म हो जाती है, साबुन नहीं इस्तेमाल करते, बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करते, और इसको उबटन वाला काम करता होगा ना, और गर्मियों में इसको आपने ड्राई करना पड़ता है, दोनों अलग अलग काम है और दोनों के फायदे बहुत अच्छे हैं। अच्छा ये विटामिन, ये बादाम का ऑयल है मेरे पास, सही है, 1 टीस्पून मैंने ये डाल दिया क्योंकि हमने क्रीम बनानी है और इसमें मैं इस्तेमाल करूंगी विटामिन ई ऑयल, या फिर आप इसमें गाजर को भी थोड़ा सा इसका पेस्ट बना के इसको डाल सकते हैं। पहले टमाटर का रस डाला है, मैंने इसका जूस, हाँ जूस डाल दिया मैंने, टमाटर का जूस डाल दिया, चावल का आटा, किसका आटा, चावल का आटा, और फिर आपने खुश्क दूध भी मिलाया है, नहीं दूध नहीं मिलाया मैंने, बेसन मिलाया इसके, अच्छा बेसन मिलाया है, हाँ बेसन मिलाया इसके अंदर, बेसन मैंने डाल दिया है कि क्रीम अच्छी सी बन जाए, बेसन चावल का आटा तो आपने 1 टी स्पून ही डालना है क्योंकि ये ड्राई कर देगा स्किन को, इससे ज्यादा आपने नहीं डालना, हर चीज अपनी अपनी क्वांटिटी में आप डालें, ठीक है, अब बेसन आपको ड्राई नहीं करेगा, ये ड्राई कर देगा चावल का आटा, चावल का आटा इसलिए कि व्हाइटनिंग के लिए, जो ब्लैकनेस डल स्किन हो जाती है ना उसको व्हाइट कर देगा, और टमाटर का काम है ग्लो करेगा, और देखिए बादाम का ऑयल विटामिन ई ऑयल क्या करेगा आपकी स्किन पे जो रैशेस पड़ जाते हैं वो नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है उसको कंट्रोल करेगा, तो सारी चीज़ों के अपने अपने काम है, तो एक ये क्रीम बन गई अच्छी सी, बस आपने इसको लेना है, ज़्यादा ना चिपचिपी है ना ख़राब है, बस इस तरह से आपने मसाज कर लेना है, मसाज करना है थोड़ी देर, इसको ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मसाज करना है, 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद वॉश कर लें आप पानी से, फिर आप मेकअप करके जाएं ना करें, पूरा दिन आपकी स्किन इतनी ज्यादा ग्लो रहेगी, आज ये करना है मुझे घर जाके, बहुत अच्छी करना है।